तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश पूर्व यूरोप और पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जॉर्जिया। हाँ दोस्तों, पूर्व यूरोप और पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जॉर्जिया। तो दोस्तों, ये देश की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये जो है इस देश की नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों, ये देश के अंदर जो है दो ऐसा जगह है जो अनियंत्रित जगह है, जो जॉर्जिया की सरकार वहाँ पर काम नहीं करता है। तो दोस्तों, 2028 में भारत के राष्ट्रपति इस देश का दौरा किया था, तब जो है वो दो अनियंत्रित जगह के ऊपर क्या कहा था। तो दोस्तों, रशिया के विवाद के चलते हुए ये देश के साथ रशिया का जो है एक वार हुआ था, तब जो है भारत क्या स्टैंड अपनाया था। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स कर बताऊं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार जो सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, ये देश कहां पर है, मैं जो है आपको गूगल मैप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर और फुल एचडी दिखाने की कोशिश करूंगा दुनिया के अंदर जो है जॉर्जिया कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, पूर्व यूरोप और पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जॉर्जिया। जॉर्जिया एक ऐसा देश है जो दोनों महादेश की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आयतन और एरिया के हिसाब से जो है दुनिया के अंदर 119 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है जॉर्जिया। चलिए, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों, हाँ, इंडिया से जो है 4100 किलोमीटर दूर जो है ये देश स्थित है, जिसका आयतन जो है 69.700 वर्ग किलोमीटर, ये देश के टोटल आयतन या एरिया है। तो दोस्तों, ये देश के अंदर जो है 9 राज्य है, 67 जिला है, और इस देश के अंदर 4 सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको गूगल मैप के थ्रू और ये जो एयरपोर्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। उत्तर में जो है रशिया, दक्षिण में जो है तुर्की आर्मेनिया, पूर्व और दक्षिण में जो है अजरबैजान, और पश्चिम में जो है ब्लैक सी, और दोनों जो है अनियंत्रित जगह है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए, इस देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी टिबिलिसी में चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये देश की राजधानी टिबिलिसी, वहाँ पर जो है ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है ये देश की राजधानी टिबिलिसी आपको नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये जो है टिबिलिसी आपको नज़र में आ जाएंगे, जो जॉर्जिया की राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात करें तो जॉर्जियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है टिबिलिसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले ये शहर आप देख लीजिए। धर्म की बात करें, ये देश है क्रिश्चियन एक देश है, 88.1% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, इस्लाम रहता है 10.7%। इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है शालोम जुरिप चोभिली, जो 2018 में प्रेसिडेंट पद की शपथ लिया है, और प्राइम मिनिस्टर इराकुली घरिभाष भिली 2021 में जो है प्राइम मिनिस्टर के पद में शपथ लिया है। तो दोस्तों, ये देश की अगर हम पैसे की बात करें, जॉर्जियन लैरी इस देश की पैसा है, गिनी जो है 3.42 जो मीडियम रेंज पे है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये देश के अंदर दो अनियंत्रित जगह है, जो आबखाजिया राजधानी शुकमी, और भाषा जो है आबखाज, और दक्षिण ओसेटिया एक ऐसा जगह जो ये देश की अनियंत्रित एक जगह है, जिसका राजधानी जो है स्किनभाली, जिसका भाषा की बात करें तो ओसेटिया और रशियन इस जगह की भाषा है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, इस जगह की हर एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये जो है एक छोटा सा एयरपोर्ट, जो ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो टिबिलिसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साइड में मौजूद है। तो दोस्तों, ये जो दो जगह है, आबखाजिया और साउथ ओसेटिया, ये दो जगह को जो है रशिया ने स्वीकृति या मान्यता दिया है। इसके अलावा आबखाजिया की पॉपुलेशन जो है 3 लाख, और साउथ ओसेटिया की पॉपुलेशन जो है 70 लाख। तो दोस्तों, सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो है आबखाजिया और साउथ ओसेटिया जो है दो देश बनना चाहता है, लेकिन जॉर्जिया जो है इसका कड़ा विरोध किया है। इसके लिए जो है ये जो है दो देश नहीं बन पाया है, लेकिन इस दो जगह को जो है रशिया ने दो देश की मान्यता दिया है। तो दोस्तों, समय था 1991, खुद को जो है पश्चिम की तरफ सजाने लगा था जॉर्जिया, लेकिन रशिया ने जो है 2008 में इस देश के ऊपर हमला किया है, कुछ हिस्सा जो है कब्जा करके भी ले लिया है। तो दोस्तों, देख लीजिए, जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी के अंदर मौजूद है ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टिबिलिसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा था। तो दोस्तों, तब जो है भारत ने न्यूट्रल रुख अपनाया था, कोई भी देश का पक्ष नहीं लिया है। तो दोस्तों, ये देश में जो है गांजा को एक लीगल माना है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के हर एक हिस्सा में आपको दिखा रही हूँ, देखा दोस्तों। तो दोस्तों, फास्ट एक देश के साथ देश ने रिश्ता स्टार्ट किया है, न्यूजीलैंड 11 मार्च 1992। चाइना के साथ ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 9 जून 1992। बांग्लादेश के साथ 27 अगस्त 1992। इंडिया के साथ जो है 28 सितंबर 1992। पाकिस्तान के साथ जो है 12 मई 1994। अफगानिस्तान के साथ जो है 12 जुलाई 1994। श्रीलंका के साथ जो है 16 जून 1998। म्यांमार के साथ जो है 16 अगस्त 1999।
नेपाल के साथ जो है 22 सितंबर 2005 और मालदीव के साथ जो है 11 मार्च 2010 और लास्ट एक देश के साथ ये देश का रिश्ता अच्छा हुआ है, वो देश का नाम था नॉर्थ मैसेडोनिया जो 15 मार्च 2019 में जो है रिश्ता स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की अनियंत्रित एक जगह मैं आपको दिखा रही हूँ जो साउथ ओसेटिया आपको नजर में आ जाएंगे, जिसका पॉपुलेशन 70,000। तो दोस्तों हाँ, इस देश स्वाधीन होने के बाद जो है 22 सितंबर 2008 में जो है तब बाद में रहने वाला भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जॉर्जिया का दौरा किया था। तब बताया था राशिया द्वारा मान्यता प्राप्त दो देश अबखाजिया और साउथ ओसेटिया के अंदर विकास देखने के बाद जो है भारत को ये बड़ा कदम उठाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये देश की और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इंडिया की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस देश का दौरा किया था, तब था ये देश सोवियत यूनियन का हिस्सा 1975, 1976, 1978। तो दोस्तों तब जो है नेहरू जी, वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जो है इस देश का दौरा किया था। तो दोस्तों हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का हर एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश की और एक अनियंत्रित जगह मैं आपको दिखा रही हूँ जो अबखाजिया जो ब्लैक सी की तट पर स्थित है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, रशिया, सीरिया, कोसोवो, भूटान, ताइवान, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और नाउरू। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा तो दोस्तों भारत के एम्बेसी जो है ये देश की राजधानी में मौजूद नहीं है, ये देश के प्रतिवेशी देश आर्मेनिया की जो राजधानी है वहां से ये देश को नेतृत्व करता है, लेकिन ये देश के राजदूत जो है भारत के न्यू दिल्ली में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए, ये देश के नेशनल एंथम, इस देश की पॉपुलेशन, इंडियन कितने रहते हैं, इस देश की जीडीपी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा इस देश की नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस देश के ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, इस देश के आदर्श वाक्य ये भी लिख दिया हूँ, इस देश के ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इस देश का ऑफिशियल नाम वो भी लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है तिबिलिसी, ये देश की राजधानी आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जॉर्जियन, इसके अलावा इस देश की जो है जो नेशनल लैंग्वेज आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश की धर्म की बात करें, ये देश जो क्रिश्चियन शो में एक देश है, 88.1% आपको नजर में आ जाएंगे। इस देश के मौजूदा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इस देश के स्पीकर सबका नाम लिख दिया हूँ। टोटल जीडीपी देख लीजिए 27.947 बिलियन, दुनिया के अंदर 115 नंबर सबसे जीडीपी वाला देश। तो दोस्तों करेंसी देख लीजिए, जीईएल इस देश की करेंसी है और यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +995 इस देश की कॉलिंग कोड। इस देश की पॉपुलेशन देख लीजिए 38 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन है और इंडियन जो रहता है 5000 से ज्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत सारा इंडियन जो है इस देश के अंदर जो है कुछ महत्वपूर्ण काम भी लगा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है और दो अनियंत्रित जगह वो भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों जॉर्जिया और इंडिया, ये दो देश कहां पर है? तो दोस्तों एक ही मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, इंडिया और जॉर्जिया आपको नजर में आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, ये देश की कुछ महत्वपूर्ण जगह वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। देखा इस देश में इंडिया की जो फिल्म है, इंडिया की जो डिश है, इंडिया की जो लैंग्वेज है, कल्चर है, इस देश में बहुत पसंद किया जाता है। तो दोस्तों ये देश में पोर्नोग्राफी इलीगल है। तो दोस्तों ये देश की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की एक अनियंत्रित जगह का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो है अबखाजिया की जो है नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखा रही हूँ और अबखाजिया दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ और अबखाजिया के अंदर स्थित जो सुंदर सुंदर जगह वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों ये सारे जगह जो है अबखाजिया के अंदर मौजूद है, जो जॉर्जिया की अनियंत्रित जगह है। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये जो है साउथ ओसेटिया। हाँ दोस्तों, साउथ ओसेटिया जो जॉर्जिया की और एक अनियंत्रित जगह है और कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और साउथ ओसेटिया के अंदर जो है 70,000 से ज्यादा जो है पॉपुलेशन है, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा सुंदर सुंदर जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो साउथ ओसेटिया, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा साउथ ओसेटिया कौन से हिस्से में है ये जो है मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पास चलेगा। जो सफेद कलर अपन नजर में आ जाएंगे वो जो है साउथ ओसेटिया। तो दोस्तों हाँ, जॉर्जिया के अंदर जो सरकार है उस सरकार के आज के मौजूदा प्रेसिडेंट, आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर कौन कौन है इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए, आज के डेट पे जॉर्जिया के जो प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया के जो प्रेसिडेंट और जॉर्जिया के जो स्पीकर उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इस देश के जो स्पीकर, मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। देखा आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के हर एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश की राजधानी जो तिबिलिसी वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो लाल हिस्से के अंदर स्थित है वो जो है राजधानी। इंडिया से जो जो सामान जॉर्जिया जाता है वो जो है फार्मास्यूटिकल सामान, सीरियल, बॉयलर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एल्युमिनियम, और जॉर्जिया से जो जो सामान इंडिया आता है वो जो है तांबा और एल्युमिनियम। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया आपको नजर में आ जाएंगे, जो जॉर्जिया की दो अनियंत्रित जगह है। तो दोस्तों और भी अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको ये देश के अंदर कुछ मौजूदा झील भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है जॉर्जिया के फ्लैग आपको नजर में आ रहा है। तो दोस्तों
जॉर्जिया के अंदर कितने राज्य है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, कौन कौन सी जगह पर ठंडी है, कौन कौन सी जगह पर गर्मी है और कौन कौन सी जगह पर जो है पहाड़ और पर्वत मौजूद है आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों जॉर्जिया की जो इंसान कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है इस ग्राफ के थ्रू आपको नजर में आ जाएंगे। जो देश यहाँ पर ज्यादा रेड करके रखा है या ज्यादा कालर है उस जगह पर जो है जॉर्जिया के इंसान सबसे ज्यादा रहता है, जो रशिया और तुर्की आपको नजर में आ जाएंगे। हालांकि रशिया के साथ ये देश का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, ये देख लीजिए फॉरेन रिलेशन में आपको दिखा रही हूँ, जो जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है उस देश के साथ जो है जॉर्जिया का रिश्ता अच्छा है और जो देश साबित है उस देश के साथ ये देश का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये देश जो है कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो है मेंबर है। तो दोस्तों आप ध्यान से ये इमेज देख लीजिए आपको पता चलेगा, यूरोपीय यूनियन के साथ जो है तीन देश का प्रेसिडेंट आपको नजर में आ जाएंगे, जो यूक्रेन, मोल्डोवा और जॉर्जिया। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी 2028 में 22 सितंबर जब इस देश में गया था तब जो है बड़ा बड़ा एग्रीमेंट भी हुआ था। तो दोस्तों रशिया ने जो है उसका कुछ प्रतिबंधित जगह को जो है देश के मान्यता दिया है। तो दोस्तों वो कौन कौन सा देश, मैप शोइंग रशिया इन डार्क रेड विद रशिया ऑक्युपाइड टेरिटरी इन यूरोप इन लाइट रेड एज फॉलो, इन मोल्डोवा ट्रांसनिस्ट्रिया फर्स्ट साइंड 1992, इन जॉर्जिया अबखाजिया सेकंड एंड साउथ ओसेटिया थर्ड साइंड 2008, इन यूक्रेन क्रीमिया फोर्थ एंड पार्ट ऑफ लुहांस अब्लास्ट 5 एंड डोनेक्स अब्लास्ट 6 साइंड 2014 एंड पार्ट ऑफ ज़ापोरिज़्या अब्लास्ट 7 एंड खेरसोन अब्लास्ट 8 साइंड 2022। जॉर्जिया जब सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था तब जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के जो प्रेसिडेंट इस देश का दौरा किया था 1975, 1976, 1978। तब भारत के जो प्रेसिडेंट था, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर था इस देश का दौरा किया था, गया था नेहरू जी, वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पूर्व यूरोप और पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है जॉर्जिया संपर्कित, सब कुछ और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।